बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही क्यूट से मतीन। हम इनसे पूछते हैं कैसे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मतीन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मतीन अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें? बेसिकली गिफ्ट आर्ट प्रोडक्शन का माशाल्लाह ये चौथा शो है और मुझे ये बेनिफिट है कि मैं ये चारों शो में ही था और माशाल्लाह से गिफ्ट आर्ट प्रोडक्शन के एम नदीम सिद्दीकी भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म के साथ वो मेरी जो वेरिएशंस हैं बाकी जो मैनेजमेंट के काम हैं उनको भी समझ रहे हैं और नदीम भाई ने अब जो ये रशियन कल्चर सेंटर में जो फ्रेंडशिप हाउस भी कहलाता है जहाँ हम आज शो कर रहे हैं 3 दिसंबर को, तो ये हमारी सक्सेस है कि हमने विद इन अ 1.5 मंथ में ये चौथा शो है हमारा। तो हम माशाल्लाह एक ऑनगोइंग ग्रोथ की तरफ है जिसमें नया टैलेंट है, गर्ल्स बॉयज़ सबको प्रमोट कर रहे हैं, डांसर्स हैं और इसके अलावा हम आगे मज़ीद कुछ और भी सेगमेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मदीन, आप समझते हैं ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और न्यू टैलेंट्स को जो प्रमोट करना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए और प्लेटफॉर्म इसीलिए अवेल किए जाते हैं क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ को एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है और उसके अलावा उनको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर आप उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो मिसयूटिलाइज भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फिर मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, नहीं समझ आता कहाँ जाएँ कहाँ पे काम करें। बट नदीम भाई ने इन सारी चीज़ों को कवर अप रखा हुआ है माशाल्लाह और जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं हम उनको माशाल्लाह काम भी दे रहे हैं और काम कर भी रहे हैं और आपके सामने ये माशाल्लाह चौथा फैशन शो है जो हमने एक अच्छी जगह पर ऑर्गेनाइज कर लिया और ये हमारे लिए और हम सब के लिए बेनिफिट की बात है। जी मतीन, मैं ये समझती हूँ कि वाकई ही यहाँ पे न्यू टैलेंट की पाकिस्तान में, आप समझते किसी टैलेंट की कोई कमी है? एक्चुअली पाकिस्तान में स्पेशली कराची में टैलेंट की माशाल्लाह से कोई कमी नहीं है। कराची का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चारों सूबों के लोग रहते हैं बसते हैं और सबके अंदर टैलेंट है। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है माशाल्लाह, जितने भी लोग हैं यहाँ पे बसने वाले उन सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है। तो हमारी न्यू टैलेंट्स में हमें मॉडल्स के साथ साथ मज़ीद एक जो अवेयरनेस लोगों में और जो नए मेल फीमेल मॉडल में है कि उनको डांस भी आता है, वो डांस भी सीखना चाह रहे हैं, फिर उसके अलावा वो एक्टिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिट की बात है। बहुत शुक्रिया मतीन, ये हमारे साथ मतीन मौजूद थे। मैं भी ये समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि टैलेंट को पॉलिश करके आगे लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मतीन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहे K92 न्यूज़।